अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले कुछ महीनों से H3N2 वायरस का बहुत ही बड़ा प्रभाव भारत में पाया गया था, लेकिन वो इतना लीथल नहीं था। गले में खराश और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन वो जानलेवा नहीं था। अभी कुछ दिनों से कोविड के केसेस बढ़ने लगे, बहुत तेजी से बढ़ने लगे। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जिस प्रकार से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, क्या फिर से ये कोई खतरा बनेगा या फिर से 2021 वाला माहौल भारत में देखा जा सकता है, क्या लॉकडाउन वाली सिचुएशंस भी आ सकती है। क्योंकि ये समय, ये प्रतिकूल समय, ये कोहराम हमने झेला है, हमारे आसपास ही ये गतिविधियां होते हुए देखी है, तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या होने वाला है। एक बात हम बार बार कई वीडियोस में कहते हैं कि हम माने या ना माने, हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचरीय अवस्थाएं बनती है तो उसका असर पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति अभी मीन राशि में चल रहे हैं, अप्रैल के अंत भाग से वो मेष राशि में आ जाएंगे जहां पे राहु पहले से है। मतलब देव गुरु बृहस्पति के साथ राहु की उपस्थिति ये गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेगा। भारत की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली है, मतलब मेष राशि 12वें घर में आती है। 12वां घर व्यय भाव होता है। देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक तत्व है, जीव कारक तत्व है, उनके साथ राहु का आना, चंडाल योग का बनना, ये अभी बना नहीं है, ये ऑन द कार्ड्स, अभी तो वो मीन राशि में ही है, लेकिन इसका प्रभाव देखना शुरू हो गया है, दिखना शुरू हो गया है। कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो क्या ये खतरा बनेगा? हमें नहीं लगता कि ये खतरा बनने तक की नौबत आएगी, लेकिन ये सावधानी का समय तो डेफिनेटली है। 21 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक का समय ये चंडाल दोष का समय है, 6 महीने से ऊपर कुछ दिन है। तो क्या 6 महीने तक कोविड का खतरा रहेगा, केसेस बढ़ते रहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे ही ये हम इसके नजदीक जा रहे हैं, ये केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। जो भी एल्डरली पर्संस हैं या फिर जिनको डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट रिलेटेड इश्यूज, इस प्रकार की समस्याएं हुई है कोविड के दूसरे फेज में, जो लोग सीवियरली इम्पैक्टेड थे, ऐसे लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जो भी एल्डरली पर्संस हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, या फिर हेल्थ रिलेटेड अस्थमा जिनको हो, मतलब रेस्पिरेटरी किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम है, तो ये समय आपके लिए सावधानी भरा रहने वाला है। यू शुड बी कॉशियस, आप इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। 6 महीनों का समय तो नहीं है, लेकिन 12 मई से लेकर 12 जून तक का समय, 1 महीने का समय ऐसा है, 12 मई 2023 से लेकर 12 जून 2023, जब ये गुरु और राहु एक दूसरे के, क्योंकि ये ऑपोजिट चलते हैं, देव गुरु बृहस्पति इस तरफ से जाएंगे तो राहु इस तरफ से आएगा, तो जब ये एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे, वो 1 महीने का समय होगा, करीब से गुजरेंगे, मतलब पास होंगे, वो समय होगा 12 मई से 12 जून का। वो समय बहुत ही सावधानी के साथ निकालना चाहिए, ये केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि केसेस में अभी भी जो चल रहा है उसमें और भी ज्यादा शायद केसेस बढ़े, ये भी देखने को मिल सकता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस ज्यादा बढ़े और कुछ नंबर्स में डेथ भी रजिस्टर हो, जिनको प्रॉब्लम्स ज्यादा पहले रहे होंगे और फिर ये कोविड हुआ, तो कुछ नंबर्स डेथ के भी रजिस्टर किए जाएंगे। ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की बात तो डेफिनेटली है। लॉकडाउन लग जाए कोई संभावनाएं नहीं है, क्या 2021 जैसा कोहराम मचेगा कोई संभावनाएं नहीं है। आप देखिएगा कि जब जब भी भारत के ऊपर ये खतरा आया है,
तब अंगारक दोष पड़ा। ये मेरा कैलकुलेशन है भाई, जो मैं देख रहा हूं। और चंडाल दोष में क्योंकि जीव कारक तत्व है देवगुरु बृहस्पति, तो ये संभावनाएं अभी से बना रहा, अभी तो बना भी नहीं है, उससे पहले उसकी दस्तक सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है कि लॉकडाउन लग जाएगा, वापिस घरों में कैद हो जाएंगे, लेकिन केसेस बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस भी बढ़ सकते हैं और कुछ नंबर में डेथ्स भी रजिस्टर हो सकती है। तो कॉशियस रहना पड़ेगा, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जो भी छोड़ दी थी वो वापिस अपना लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो भी आप इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए घरेलू क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम वगैरह, वो सारी चीज़ें कीजिए। तो आशा रखता हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या कोविड खतरा बनने वाला है, क्योंकि बहुत तेज़ी से केसेस भारत में बढ़ रहे हैं, तो आगे चल के क्या होने वाला है। समय मैंने आपको बताया 12 मई से 12 जून का वो समय है जो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल इस मामले में रह सकता है, क्योंकि इस समय के दौरान ये दोनों ग्रह एक दूसरे के बहुत पास से गुजरेंगे, तो ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल रह सकता है। उसके बाद ज़्यादा परेशानी, जून के मध्य भाग के बाद ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं दिख रही है। आशा रखता हूँ कि सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर इस एक छोटी सी प्रिडिक्शंस में आपको मिल चुके होंगे। सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, आपके जितने अपने हैं उन तक भी इसे पहुँचा दीजिए, तो कोई भी घबराहट में ना आए, लेकिन सावधान तो डेफिनेटली रहे। सावधानी हटी तो कहीं कहीं पे दुर्घटना घटी ये संयोग बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। रुपेन आर शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए, अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जय हिंद।